मसीह के सबको सलाम सलाम पाकिस्तान में होगा मेजबान साजा गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम करवा सकते साजा गौरी के साथ। नाजरीन आज बात करेंगे हम 11 अगस्त की, जो कि माइनॉरिटी डे है। अच्छा, ये माइनॉरिटी डे कब वजूद में आया? जब शहबाज भट्टी शहीद जो थे, MNA थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वफाक के अंदर, और उस वक्त उन्होंने अपनी जदोजहद से इस दिन का आगाज किया और जिसका नाम माइनॉरिटी डे रखा गया, जिसने और डेट डिसाइड की गई 11 अगस्त, क्योंकि ये दिन उस हवाले से कहा जाता है कि 14 अगस्त जो है वो आजादी का दिन है पाकिस्तान का, और 11 अगस्त को माइनॉरिटी डे के नाम पर एक दिन मखसूस किया गया। ये सारी काविशें जो थी शहबाज भट्टी शहीद साहब की थी। इसी दिन के हवाले से पूरे पाकिस्तान में कुछ NGO हैं, कुछ अदारे हैं जो मसीह कम्युनिटी के साथ मिलकर इस दिन पे कोई ना कोई प्रोग्राम रैलीज निकालते रहते हैं। इस दफा भी एहतमाम किया गया है, जिसमें इस्लामाबाद के अंदर MAP और वॉइस फॉर जस्टिस, इन दोनों ने मिलकर एक रैली का इनेकाद किया है, जिसमें माइनॉरिटीज के जितने भी इश्यूज हैं उसके हवाले से एक रैली निकाली जाएगी इस्लामाबाद के अंदर। और रैलीज की अगर बात करते हैं तो वॉइस फॉर जस्टिस की तरफ से पूरे पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर मुख्तलिफ शहरों में रैलियों का इनेकाद किया गया, और उसमें जो एजेंडा है उस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ वॉइस फॉर जस्टिस के चेयरमैन और बानी। हम उनसे पूछेंगे कि जॉनसन भाई, इस हवाले से आपकी NGO क्या काम कर रही है? थैंक यू सो मच साजिद कोरी साहब फॉर हैविंग मी हियर। जैसा कि कल 11 अगस्त है, और जैसा आपने बड़ी डिटेल में बताया कि ये माइनॉरिटीज का डे किस तरह से इसको जो है वो डिसाइड किया गया, तो इस मौके पे दो शख्सियात को याद करना नहायत जरूरी है। सबसे पहले फादर ऑफ द नेशन कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने 11 अगस्त को स्पीच दी, वेरी फर्स्ट स्पीच, और उसके बाद शहीद जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी पाकिस्तानी मसीहियों के लीडर शहबाज भट्टी, जिन्होंने इसको इस दिन को अपनी बड़ी एफर्ट्स के साथ अप्रूव करवाया पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, कि माइनॉरिटीज की जो सर्विसेज है, जो उनकी सैक्रिफिकेशन है पाकिस्तान को, पाकिस्तान की ग्रोथ में, पाकिस्तान की डेवलपमेंट में, पाकिस्तान की क्रिएशन में, उनको याद रखा जाए, उनको देखा जाए, उनको उनको इस दिन सेलिब्रेट किया जाए, तो उनको ट्रिब्यूट किया जाए, तो पाकिस्तान को बनाने में, पाकिस्तान की डेवलपमेंट में, पाकिस्तान की तालीम और तरक्की में मसीहियों का, अकलीतों का एक अहम रोल रहा है। और आज मौजूदा दौर में भी आप देखें, जैसे स्कूल्स की सूरत में, टेक्निकल स्कूल्स की सूरत में, कॉलेजेस की सूरत में, हम किस तरह माइनॉरिटीज अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं पाकिस्तान को डेवलप करने में, तो इसी तरह माइनॉरिटी जैसे पाकिस्तान को डेवलप कर रही है, इसी तरह उनके पाकिस्तान में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, किस तरह से जैसे कि जो है वो कैद आजम ने अपनी पहली स्पीच में कहा कि यू आर फ्री टू गो टू एनी टेम्पल, यू आर फ्री टू गो टू एनी मॉस्क और टू एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप, इसी तरह उन्होंने कहा कि यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन, एनी कास्ट, एनी क्रीड, that has nothing to do with the business of state. That means कि आपको पूरी मुकम्मल आजादी है, आप किसी भी अकीदे से हो, किसी भी फिरके से हो, आप पाकिस्तान में एक आजाद शहरी हैं, और स्टेट का, रियासत का उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन आज आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर मौजूदा वक्त में जो हालात हैं उसमें किस तरह माइनॉरिटीज जो है वो उनको क्या मसाइल दरपेश हैं, आज का पाकिस्तान जो विजन था पाकिस्तान के फाउंडर का, पाकिस्तान के जो नेशन ऑफ द फादर ऑफ द नेशन का, उसको किसी हद तक सेट असाइड कर दिया गया है। आज किसने फर्के हैं, कितने मसाइल हैं, इन्हीं मसाइल को या आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए वॉइस फॉर जस्टिस ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में
अपने साथियों के साथ मिलके, चर्चेस के दोस्तों के साथ मिलके इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहा और साथ साथ अपने मसाइल को हुकूमत के सामने, मौजूदा हुकूमत के सामने पेश करने की कोशिश की है। जो मसाइल हुकूमत को दरपे, लोगों को, माइनॉरिटीज को दरपेश हैं, स्टडीज में, फोर्स कन्वर्जन में, मिस यूज ऑफ ब्लास्फेमी लॉज, डिफरेंट जो मसाइल है, कोटा जैसे कि जो माइनॉरिटीज का है, इसके हवाले से हमने डिफरेंट एक्टिविटीज जो है अरेंज की है। अच्छा, इस तरह देखा जाए तो माइनॉरिटी डे की अगर बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसमें हमारे जो खास तौर पर पंजाब के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी की बच्चियां हैं और सिंध के अंदर हिंदू कम्युनिटी की बच्चियां हैं और ये भी माइनॉरिटी में आती हैं, लेकिन 11 अगस्त को जो माइनॉरिटी डे मनाया जाता है उसमें हिंदू कम्युनिटी कम नजर आती है, सिख कम्युनिटी कम नजर आती है, क्रिश्चियन कम्युनिटी ज्यादा क्यों नजर आ रही है, इसकी क्या वजह है? देखिए, जब पाकिस्तान को बनाया गया, जब पाकिस्तान को क्रिएट किया गया तो क्रिश्चियन कम्युनिटी का वोट जो है वो बड़ा अहमियत का हामी। आप उन 4 वोट्स को देखें, आप क्रिश्चियन की डिफेंस में सर्विसेज को देखें, आप क्रिश्चियंस का नंबर ऑफ सेंसस देखें और क्रिश्चियंस की जो है किस तरह से जो अपनी हर सेक्टर में क्रिश्चियंस ने डेवलप किया, इसी यही वजह है। हमारे स्कूल्स देखें, आप कॉलेजेस देखें, हर सेक्टर में पाकिस्तान को जो डेवलप करने में क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक अहम रोल है। एजुकेशन में आप, वो एजुकेशन का मैदान हो, वो आप देखिए वहां पे हॉस्पिटल्स में किस तरह नर्सिस, इंसानी हकूक के हवाले से बेशुमार ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान में इंसानी हकूक पर काम कर रही है। तो ये वजह है कि क्रिश्चियन जो है वो बिल्कुल सेट असाइड हो गए, इनके मसाइल जो है जिस तरह से इनको दरपेश है, ये जरूरी है कि क्रिश्चियंस जो है अपना और उनकी जो प्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर, रिप्रेजेंटेटिव है, उस तौर पर जो है एक ये भी लैक है कि इनकी आवाज नहीं है, तो उनके पास अब कोई प्लेटफॉर्म रहता नहीं है सवाय इसके कि वो अपना इस दिन बाहर आए और अपनी आवाज रेज करें या इस दिन को जो है वो सेलिब्रेट करें। बाकी माइनॉरिटीज के, अगर माइनॉरिटी की अगर बात करते हैं तो आप देखें कि पंजाब के अंदर हुकूमत बन चुकी है, पहले नून लीग की बनी, फिर पीपल्स पार्टी की बनी और अब जो 2 बार पहले पीटीए की गवर्नमेंट बनी, उसके बाद फिर नून लीग की थोड़े दिन के लिए बनी, अब फिर दोबारा पीटीए की गवर्नमेंट बन गई जिसमें वफाक के जो वजी अला हैं वो परवेज लाई साहब हैं, उनकी कबीना भी तैयार होगी, लेकिन जो इंसानी हकूक की मिनिस्ट्री है वो अभी तक किसी बंदे को नहीं मिली। ये भी तो एक नज़र आ रहा है कि ये भी माइनॉरिटी के साथ एक ज्यादती का जो है जिम्मे में आता है कि अभी तक उस सीट के ऊपर क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से कोई बंदा नहीं बिठाया गया, बाकी के बिना तैयार करती हूँ। जी हमेशा देखिए, सबसे एक तो बात ये और इसके साथ साथ आप देखें कब से ये पाकिस्तान का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के हर शहरी को अलाउ करता है कि आप जो है वो इलेक्शन के जरिए पार्लियामेंट में आए और किस तरह वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन की गई, किस तरह से माइनॉरिटीज को एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से जो है वो बिल्कुल उनको सेट असाइड कर दिया गया और इलेक्शन सिस्टम को खत्म करके सिलेक्शन के सिस्टम को जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो यही वजह है क्योंकि हमारी जो जो अवामी प्रेजेंटेशन है, जो अवाम की सिलेक्शंस के इलेक्शन के जरिए जो है वो प्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर नहीं है, जब अवामी प्रेजेंटेशन पार्लियामेंट की होती है, अवाम की आवाज पार्लियामेंट की में होती है, तो फिर आपके मसाइल जो है वो आप उसको एक दावे के साथ, एक इत्माद के साथ वहां पर कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पीछे अवाम नहीं है, आपके पीछे लोग नहीं है, आपके पीछे आपकी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने आपको सिलेक्ट किया और आपको एक सीट दी, तो आप फिर उनके जो है वो रहमो करम पर होते हैं, तो जैसे इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं फिर उस तरह से वो, तो अवाम के जो मसाइल हैं वो बंदा ही उसको वहां पर रेज करेगा या कर सकता है या पावर रखता है या इस चीज का एहसास रखता है जो अवाम में से निकला हो, जिसको अवाम ने चुना हो, जिसने को अवाम ने पाकिस्तान की कम्युनिटी ने इलेक्ट करके वहां पार्लियामेंट में, इसकी एक वजह मैं समझता हूँ ये भी है।
तो इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें जो है वो पाकिस्तान को जो है वो राइट डायरेक्शन में लेके आने की जरूरत है, और ये उसी वक्त पॉसिबल हो सकता है जब पाकिस्तान के अवाम अपने हक के लिए आवाज रेज करेंगे, अपने हक के लिए बाहर निकलेंगे, सामने आएंगे और उसकी डिमांड करेंगे। उस वक्त आपको आपको पानी नहीं मिलेगा जब तक प्यासा कुएं के पास नहीं जाएगा। अच्छा, जिस तरह तो दिस इज द राइट टाइम। जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर मैप भी है, वो भी एक रैली निकाल रही है जिसको आप उनके साथ कोलैबोरेशन करके आप भी उनका हिस्सा बन रहे हैं, तो हमारी मसीह कौम को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं इस रैली के हवाले से और इस दिन के हवाले से? मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा मौका है मसीही कौम के लिए, मिनोरिटीज के लिए, कि वो जो अभी जबरी मजहबी तब्दीली के जो बिल रिजेक्ट हुआ उसकी आवाज बने और इस चीज को इंश्योर करवाए कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है इसको रिव्यू करे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दे, ये बिल पास हो, और मिनोरिटी प्रोटेक्शन के हवाले से इसी तरह से पाकिस्तान के जो अवाम है वो पाकिस्तान से बाहर आए और इस दिन को यूं ऑब्जर्व करें कि जिस तरह से वो वायलेंस जो फॉल्स अक्यूजेशन होता है मिसयूज ऑफ ब्लास्फेमी पे कितनी जगहों पे लोगों को हजूम आता है, वो बिल्कुल कानून को अपने हाथ में ले लेता है। तो इसके लिए हुकूमत को चाहिए एक इन्वेस्टिगेशन जो प्रॉपर एक जो है वो इनको बनानी चाहिए, टीम ग्रुप बनाना चाहिए जो प्रॉपर तौर पर इन्वेस्टिगेट करे, हायर अथॉरिटीज इसमें इन्वॉल्व हो और इसको इसके मिसयूज को जो है वो खत्म करना चाहिए, और इसके साथ साथ अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करता है तो उसको भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए जितनी कि आप उस बंदे को जिसने कोई गुनाह नहीं किया होता और फॉल्सली अक्यूज करके उसको जो परसेंटेज के मुताबिक 5 to 10 years तक उसको जेल में, इसके साथ साथ 5% कोटे पे आके आपको बात करनी चाहिए, सिंगल नेशनल करिकुलम पे टेक्स्ट करिकुलम के अंदर जो एक्सट्रीम जो एजुकेशन का जो सिस्टम है उसके अंदर जो डिस्क्रिमिनेटरी जो मवाद इंस्टीट्यूट जो इंसर्ट किया है उसके हवाले से बात करनी चाहिए, अपने मौजूदा मिसाइल को आके गवर्नमेंट के सामने एक रैली डिफरेंट एक्टिविटीज के जरिए सामने पेश करने चाहिए और इस चीज को डिमांड करने चाहिए कि गवर्नमेंट इनके ऊपर इफेक्टिव और प्रोटेक्टिव और सीरियस एक्शन ले ताकि इन चीजों की रोकथाम हो, पाकिस्तान का बेहतर चेहरा सामने आए और पाकिस्तान की मिनोरिटीज जो है वो एक प्रोटेक्टिव अपनी जिंदगी और कंप्लीट राइट्स जो है उनको मिले और वो जिंदगी बसर करें। यही यही मैं समझता हूँ मिनोरिटीज की कामयाबी है और यही पाकिस्तान का बेटर फेस जो है पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट कर सकती है और पाकिस्तान की कामयाबी है। पाकिस्तानी मसीहियों को 11 अगस्त को और 14 अगस्त को जरूर इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, स्पेशली 11 अगस्त को पूरे पाकिस्तान में, कराची में, मुल्तान, बिहाड़ी, साहिवाल और फैसलाबाद, लाहौर, जहां जहां पर भी मिनोरिटीज के डिफरेंट लोगों ने इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए डिफरेंट रैलीज डेमोन्स्ट्रेशन का निकात किया है, तो वहां पर हमारे नौजवानों को, हमारी बेटे बेटियों को, लड़कियों को, यूथ को, सबको निकलना चाहिए और इसको सेलिब्रेट करना चाहिए और अपने हक की बात करनी चाहिए। दिस इज द मूवमेंट। अगर आप आज नहीं निकलेंगे तो मैं समझता हूँ आप फिर जो है फिर आप अपने हक के लिए जो हमेशा आप पीछे रह जाएंगे, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग निकलें अपने हक के लिए और इस दिन को बेहतर तौर पे सेलिब्रेट करें और अपने मसाइल को उजागर करें। बहुत शुक्रिया वाइस फॉर जस्टिस के चेयरमैन और बानी हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे जोसेफ जॉनसन, और इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जिस तरह मिनोरिटीज के जो इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है और जिस तरह हमारी जो कौम है अगर हमारे हक के लिए इस तरह इस दिन के लिए निकले, जो दिन मखसूस किया गया है मिनोरिटी डे के ऊपर, अगर उस दिन के लिए एक पावर शो करे तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि ये भी एक कौम है और इनके भी जो हकूक हैं वो इनको मिलने चाहिए क्योंकि ये भी एक पाकिस्तानी कौम है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बात यही है कि हमारे मसीही कौम के लिए, मिनोरिटी के लिए, जो कि हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी, उस दिन के लिए ये जो है ना पूरी जितनी भी कौमें हैं वो मिलकर अगर सेलिब्रेट करती हैं और अपने हकूक के ऊपर बात करती हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो मामलात हैं जो हमारी मिनोरिटी के साथ ही हो रहे हैं, जिस तरह क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ पंजाब के अंदर जो है बच्चियों के साथ जबरी मजहब तब्दीली
और जबरी निकाह करवाया जाता है और सिंध में हिंदू कम्युनिटी के साथ, और बहुत सारे ऐसे और भी इश्यूज है जिसके ऊपर पार्लियामेंट में तो बात उठाई जाती है लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। अगर माइनॉरिटी इस दिन के ऊपर निकलेगी तो मेरा ख्याल है अपनी पावर शो करेगी और कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपनी कुव्वत और ताकत से सामने आती है। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे और कैमरामैन तारक पेरा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।